question number 1, exercise 10e, x square plus y square is equal to 4. तो मैंने दोनों तरफ dy by dx लगा दिया, ठीक है? तो dx square plus dy square by dx, फिर इधर भी मैंने लगा d4dx, ठीक है? फिर मैंने यहाँ पे x plus y को फिर differentiate किया dx square by dx, dy square by dy, क्योंकि यहाँ पे y के respect में इसलिए यहाँ पे मैंने dy लगाया, फिर dy by dx लिख दिया, और ये constant term है इसलिए यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है? फिर x पे पावर n, nx n minus 1 होता है, इसलिए यहाँ पे 2x हो गया, same here, y पे पावर n मतलब ny n minus 1 मतलब 2y 2 minus 1 1 इसलिए y पे पावर 1, ठीक है? फिर dy by dx लिख दिया यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है इसलिए इसका वैल्यू 0 हो गया। फिर यहाँ पे मैंने 2y इस टर्म को इधर ले गया और इस टर्म को इधर ही रहने दिया, तो 2y dy by dx बराबर minus 2x, ठीक है? फिर यहाँ पे dy by dx रहने दिया और इसके यहाँ पे डिवाइड में ले गया, तो dy by dx is equal to minus 2x by 2y, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा minus x by y। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, x स्क्वायर by a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर by b स्क्वायर बराबर 1, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने सब जगह पे dy by dx लगा दिया, ठीक है? dx स्क्वायर by a स्क्वायर by dx प्लस dy स्क्वायर by b स्क्वायर by dx बराबर d1 by dx, सब में dy by dx लगा दिया, ठीक है? अब यहाँ पे a by b या u by v के फॉर्मेट पे है, इसलिए इस पे u by v का फॉर्मूला लगाएंगे, तो a स्क्वायर dx स्क्वायर by dx माइनस, तो यहाँ पे सॉरी x स्क्वायर da स्क्वायर by dx, इसका फॉर्मूला है डिवाइड a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस, फिर मैंने u by v का इसमें फॉर्मूला लगा b स्क्वायर, सेकंड वाला पहले आता है, फिर dy by एक को लेते हैं, सेकंड को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर सेकंड को लेते हैं तो पहला को डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे होगा बी स्क्वायर डी वाई का होल स्क्वायर बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर, फिर डी बी स्क्वायर बाई डी एक्स होल डिवाइड बी स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब बी पे पावर 4, बी पे पावर 4, ठीक है? फिर यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व किया तो 2x बाई ए स्क्वायर आया, ठीक है? इस पूरे टर्म को सॉल्व किया, चूंकि ये कॉन्स्टेंट टर्म है ये, इसलिए इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, बचेगा ये, इसको सॉल्व किया तो मैंने 2x आया और ए स्क्वायर का होल स्क्वायर सॉरी 2 ए स्क्वायर एक्स आएगा, फिर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा नीचे ए स्क्वायर और यहाँ ऊपर हो जाएगा 2x, ठीक है? प्लस यहाँ पे मैंने फिर इसे सॉल्व किया है तो यहाँ पे ये 2 बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म कैंसिल होगा क्योंकि यहाँ पे बी कॉन्स्टेंट है, इसलिए 0 हो गया, और यहाँ पे बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आप सिर्फ बी स्क्वायर नीचे और ऊपर बचेगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है? फिर मैंने इसमें क्या किया, इस टर्म को इधर ले आया, तो यहाँ पे हो जाएगा ये टर्म यहाँ है और ये टर्म इधर चल गया, तो माइनस 2x बाई ए स्क्वायर, फिर इसमें मैंने dy by dx को इधर रहने दिया, बाकी सबको उधर कर दिया, तो ये माइनस 2x बाई ए स्क्वायर पहले से था और ये इधर मल्टीप्लाई में आ गया और ये डिवाइड में आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हो गया माइनस एक्स बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई। ये था सेकेंड नंबर क्वेश्चन। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन, रूट एक्स प्लस रूट वाई, रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू रूट ए, ठीक है? तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सबको डिफ्रेंशिएट कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी एक्स बाई डी रूट एक्स बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी एक्स, तो ये 1 ही हो जाएगा, प्लस डी रूट वाई बाई वाई के रिस्पेक्ट में तो मैं डी वाई लिखूंगा, फिर डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है? इज इक्वल टू डी रूट ए, ए कॉन्स्टेंट टर्म है तो इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं बचेगा, तो यहाँ पे डी रूट एक्स का डिफरेंस इसका 1 बाई टू रूट एक्स हो जाएगा, डी एक्स पर डी एक्स 1 होता है तो ये 1 मल्टीप्लाई को यही रह जाएगा, प्लस डी रूट वाई बाई वाई का डिफरेंस इसका 1 बाई टू रूट वाई हो जाएगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है? डी वाई बाई डी एक्स ये कॉन्स्टेंट टर्म है इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे मैं इसको इस टर्म को यही रहने देता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1 बाई टू रूट वाई इजिकल टू, इसको उधर मैं ले जाऊंगा तो माइनस 1 बाई टू रूट एक्स हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में माइनस टू रूट वाई बाई टू रूट एक्स, यहाँ पे टू टू कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा माइनस रूट अंडर वाई बाई
एक्स। ये था 18 नंबर क्वेश्चन। अब 4 नंबर क्वेश्चन, x पे पावर 2 बाई 3 प्लस y पे पावर 2 बाई 3 इज इक्वल टू ए पे पावर 2 बाई 3। मैं सबको डिफ्रेंशिएट कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। इस क्वेश्चन को मैं यहां पे सॉल्व करता हूं, डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं डी एक्स पे पावर 2 बाई 3 बाई डी एक्स प्लस डी वाई पे पावर 2 बाई 3 बाई, यहां y के रिस्पेक्ट में तो मैं y लिखूंगा, फिर डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी ए पे पावर 2 बाई 3 बाई डी एक्स। ओके, यहां मैं फिर इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा x पे पावर n, तो n x n माइनस 1 2 बाई 3 x 2 बाई 3 माइनस 1 प्लस यहां पे n x का फिर फॉर्मूला लगाया तो 2 बाई 3 y पे पावर 2 बाई 3 माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये कॉन्स्टेंट टर्म है तो ये जीरो हो जाएगा। फिर इसे मैं आगे सॉल्व करूंगा तो 2 बाई 3 माइनस 1 तो यहाँ पे x पे पावर माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1 बाई 3 हो जाएगा प्लस 2 बाई 3 वाई पे पावर माइनस 1 बाई 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर जीरो। ठीक है, फिर यहां पे मैं इस टर्म को इधर ले जाता हूं। ठीक है, तो 2 बाई 3 वाई पे पावर माइनस 1 बाई 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस 2 बाई 3 एक्स पे पावर माइनस 1 बाई 3। फिर मैं इसको उधर ले जाता हूं। ठीक है, तो बच जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 3 एक्स पे पावर 1 बाई 3। यहाँ पे इसे मैं नीचे ले सकता हूँ, माइनस लगा हुआ है। ठीक है, और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 वाई पे पावर 1 बाई 3 हो जाएगा बाई 2, 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा माइनस 3 वाई पे पावर 1 बाई 3 बाई 3 एक्स पे पावर 1 बाई 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो जाएगा माइनस वाई पावर 1 बाई 3 बाई एक्स पे पावर 1 बाई 3। फाइनल क्वेश्चन, एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर। ओके, इसको इधर लिख देता हूं, एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर। मैं दोनों तरफ से डिफ्रेंशिएट कर देता हूं, डी एक्स वाई बाय डी एक्स बराबर डी सी स्क्वायर बाय डी एक्स। ठीक है, दोनों तरफ मैंने डी वाई बाई डी एक्स लगा दिया और यहाँ पे यू यू भी का डिफ्रेंशिएशन होगा तो एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स फिर प्लस वाई इंटू डी एक्स बाई डी एक्स बराबर कॉन्स्टेंट टर्म इसलिए जीरो हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पे ये वो डी एक्स बाई डी एक्स वन हो जाएगा तो ये बच जाएगा वाई, वाई को मैं उधर ले जाता हूँ तो एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस वाई हो जाएगा। फिर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। ये था 5 नंबर क्वेश्चन। सिक्स नंबर क्वेश्चन,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सी एक्स वाई इज इक्वल टू वन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फिर डिफरेंशिएशन लगाता हूँ, डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स प्लस डी वाई के स्क्वायर, वाई के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर मैं डी वाई लिखूंगा, फिर डी वाई बाय डी एक्स, ओके, माइनस डी थ्री एक्स वाई बाय डी एक्स बराबर डी वन बाय डी एक्स, ओके। यहाँ पर मैं फिर इसे डिफ्रेंशिएट करता हूँ, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा एन एक्स एन माइनस वन से, तो यहाँ पे 2y हो जाएगा इन टू डी वाई बाय डी एक्स माइनस, यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म वेरिएबल्स के साथ आ रहा है, कॉन्स्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा, और डी एक्स वाई बाय डी एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म था तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा इसे, 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस थ्री इंटू यू भी तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स फिर प्लस वाई डी एक्स बाई डी एक्स बराबर जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री एक्स डी वाई बाय डी एक्स माइनस प्लस माइनस थ्री वाई डी एक्स वन हो जाता है बराबर जीरो। अब मैं डी वाई बाई डी एक्स को लेफ्ट हैंड साइड रखूंगा, बाकी सबको राइट हैंड साइड कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे लगा टू वाई डी वाई बाय डी एक्स माइनस थ्री एक्स डी वाई बाय डी एक्स बराबर थ्री वाई माइनस टू एक्स। ठीक है, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स मैं कॉमन ले लेता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स बराबर टू वाई माइनस थ्री एक्स बराबर थ्री वाई माइनस टू एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स, ये इधर जाएगा डिवाइड में, थ्री वाई माइनस टू एक्स बाई टू वाई माइनस थ्री एक्स। अगर आप इसे चाहें तो माइनस कॉमन लेके टू एक्स माइनस थ्री वाई बाय माइनस थ्री एक्स माइनस टू वाई भी लिख सकते हैं, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बड़ा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेवन नंबर क्वेश्चन, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस फाइव इजिकल टू जीरो। ओके, तो यहाँ पे मैं फिर डिफ्रेंशिएट दोनों तरफ करूंगा, डी एक्स वाई स्क्वायर बाय डी एक्स माइनस डी एक्स स्क्वायर वाई बाय डी एक्स माइनस डी फाइव बाय डी एक्स इजिकल टू डी जीरो बाय डी एक्स। ओके, तो यहाँ पे मैं एक्स वाई को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो एक्स डी वाई का स्क्वायर बाई, यहाँ पे फिर वाई लिखूंगा क्योंकि ये वाई का रिस्पेक्ट में है, फिर डी वाई टू डी एक्स को लिख दूंगा। ठीक है, इसको मैं कह रहा हूँ एक्स से डिफरेंशिएशन किया, फिर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स बाय डी एक्स। ओके, फिर वाई को लिया तो इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, ये हो गया इसका माइनस, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लूंगा तो y को डिफरेंशिएट करूंगा डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस y को लूंगा तो x को डिफरेंशिएट करूंगा डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। ये था सेकेंड नंबर का डिफरेंशिएशन, और ये कॉन्स्टेंट टर्म इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा इक्वल टू जीरो। यहाँ पे मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा x इंटू एन वाई टू वाई डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स बाई डी एक्स वन होता है माइनस एक्स स्क्वायर
डी वाई वाई डी एक्स प्लस यहाँ पे एक्स पावर टू है तो यहाँ पे टू एक्स वाई हो जाएगा ओके, इसका डिफरेंशिएशन बराबर जीरो ठीक है इज इक्वल टू। अब इसे आगे मैं सॉल्व करता हूँ इसे मैं और डिफरेंशिएट करता हूँ तो ये हो जाएगा टू एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस फिर इसे मैं डिफरेंशिएट करूंगा और इसको हटा देता हूँ माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस माइनस हो जाएगा माइनस प्लस माइनस टू एक्स वाई बराबर जीरो ठीक है। फिर यहाँ पे मैं डी वाई बाई डी एक्स को लेफ्ट हैंड साइड ले लूंगा और रेस्ट को राइट हैंड साइड तो हो जाएगा इज इक्वल टू टू एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स ठीक है बाकी सब मैं उधर कर दूंगा तो हो जाएगा टू एक्स वाई इज इक्वल टू टू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर ठीक है। यहाँ डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लूंगा तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हो गया टू एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर ओके। यहाँ पे मैं इस टर्म को यहाँ पे इधर ले जाऊंगा तो डिवाइड में चले जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर टू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर बाय टू एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है। सॉरी ये सेवन नंबर क्वेश्चन है एट नंबर क्वेश्चन एक्स स्क्वायर थोड़ा नीचे कर देते हैं। एट नंबर क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर एक्स वाई ठीक है तो मैं इसे दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देता हूँ फिर से तो यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय डी एक्स बराबर डी एक्स वाई बाय डी एक्स दोनों तरफ मैंने डिफरेंशिएट कर दिया तो यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स प्लस डी वाई स्क्वायर बाय डी वाई 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 के रिस्पेक्ट में है डी वाई बाई डी एक्स बराबर यहाँ एक्स लूंगा तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई लूंगा तो डी एक्स बाई डी एक्स ओके। यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा टू एक्स प्लस इसका डिफरेंशिएशन टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर यहाँ पे एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई डी एक्स बाई डी एक्स वन होता है फिर डी वाई बाई डी एक्स को लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊंगा टू वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई माइनस टू एक्स। यहाँ पे मैं डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लूंगा डी वाई बाई डी एक्स कॉमन टू वाई माइनस एक्स बराबर वाई माइनस टू एक्स तो यहाँ पे इसको नीचे ले जाऊंगा मतलब उस साइड ले जाऊंगा तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई माइनस टू एक्स बाय टू वाई माइनस एक्स और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं टू एक्स माइनस वाई बाय एक्स माइनस टू वाई वाई वन माइनस वाई माइनस टू एक्स
इस नंबर क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर एक्स वाई, तो मैं इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा डी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर एक्स बाई फोर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी ओके बाय डी एक्स बराबर एक्स लूंगा तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा प्लस वाई लूंगा तो डी एक्स बाई डी एक्स। आवाज कम आ रही है, एट नंबर क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर एक्स वाई, तो यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, फिर यहाँ पे मैं इसे डिफरेंशिएट किया तो एक्स लूंगा तो डी वाई डी एक्स, फिर वाई लूंगा तो डी एक्स बाई डी एक्स। ठीक है, अब मैं इसे डिफरेंशिएट कर रहा हूँ बराबर डी बाई डी एक्स, यहाँ पे मैं हर एक टर्म को डिफरेंशिएट करूंगा x पावर 4 प्लस डी वाई की पावर 4 बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स क्योंकि y के रिस्पेक्ट में हो प्लस डी टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई डी एक्स बराबर x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, डी एक्स बाई डी एक्स वन हो जाएगा प्लस y। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा एन एक्स एन एक्स की पावर एन तो एन एक्स एन माइनस वन से हो जाएगा फोर एक्स क्यू प्लस यहाँ पे हो जाएगा फोर वाई क्यू इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू कॉन्स्टेंट टर्म वेरिएबल्स के साथ है तो टू कॉन्स्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर बाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स बराबर एक्स डी वाई बाय